दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 2 अक्टूबर 2022 आज के लव राशिफल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों आज का लव राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें और सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आज चंद्रमा धनु राशि के रहेंगे, मूल नक्षत्र के चंद्रमा रहेंगे, किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे आज के चंद्रमा, आइए जानते हैं। बात करेंगे राशिफल की। राशिफल में हम बात करते हैं सबसे पहले राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपके लिए बहुत ही खास स्थितियां बन रही हैं, जिसमें सबसे पहली स्थिति उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल सिंगल हैं। आप किसी के साथ में अच्छी दोस्ती बना सकते हैं, आज के दिन आपको बहुत अच्छा फ्रेंड मिल सकता है। जो लोग वन साइड लव करते हैं, एक तरफा प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि उस व्यक्ति को आप पर भरोसा होने लगेगा। और भरोसा एक शब्द नहीं है, भरोसा प्यार की शुरुआत है, इसलिए आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन रहेगा आज के दिन। लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ में आपके पार्टनर थोड़ा सा आपसे नाराज है, लेकिन उस नाराजगी की वजह आपको भी पता है और वो आप समझ नहीं पा रहे हैं उस बात को, इसलिए कहीं ना कहीं ये दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन आज के दिन आप अपने पार्टनर को काफ़ी हंसाएंगे, काफ़ी हंसी मजाक की बातें करेंगे, पार्टनर भी काफ़ी हंसी मजाक करेगा और आपको बहुत मनाने की कोशिश करेगा, आपके साथ में बहुत ऐसी बातें करेगा जिससे आप उनके प्रति अगर गुस्सा हैं, वो आपके प्रति गुस्सा हैं, तो वो नॉर्मल हो जाए, वो झगड़े की स्थिति ना बन पाए। ऐसी लगातार कोशिश आपके पार्टनर के द्वारा आपके लिए करी जाएंगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए हैं और आपको आज के दिन आप अपने पार्टनर को बार बार याद कर रहे हैं, आपको अपने पार्टनर की याद आ रही है, तो आज वो वापस आने के बार बार सोचेंगे। लेकिन अगर वो वापस नहीं आ पाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आज के दिन उन्हें कोई वापस आने से रोक रहा है। उनका कोई दोस्त हो सकता है जो आपको मैसेज करने से, आपको कॉल करने से रोक रहा है। आपकी मैरिड लाइफ में आज के दिन ससुराल पक्ष से आपको बहुत सम्मान मिलेगा। अगर ससुराल पक्ष में किसी ने आपका अपमान कर दिया था तो आज वो आपसे माफी मांग लेगा। आज आपके ससुराल वाले आपसे बहुत खुश रहेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। आपका पार्टनर भी आपकी काफी केयर करेगा, जिससे आपका दिन अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके लिए बहुत बुरी स्थितियां बन सकती हैं। यहाँ पर आपको पल पल रोना पड़े, या अगर आप रोने वालों में से नहीं हैं तो आपके मन में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आए और डिप्रेशन की स्थिति भी आ जाए, या ओवर थिंकिंग से बहुत परेशान होकर के मन ये बार बार कहने लगे कि आपने बहुत ही गलत जगह आप फंस चुके हैं, बहुत गलत दिशा पकड़ चुके हैं, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं। आज के दिन लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ में आपकी मुलाकात हो सकती है, मुलाकात अचानक से होगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आज आपसे नाराज ज़्यादा हो जाएंगे, उन्हें किसी व्यक्ति के द्वारा आपके बारे में कुछ और बातें जानने को मिलेंगी, जिससे आपके प्रति उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आज आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, लेकिन अगर आपने कोई पुरानी बात आज जिक्र कर दी, कोई पुरानी बात को बार बार उठा दिया, तो आपके लिए वही हर दिन जैसा जाता है वैसा ही जाएगा। इसलिए कोई भी पुरानी बात की चर्चा ना करें। पार्टनर पर शक करते हैं करें, लेकिन आज के दिन भूल से भी अपने पार्टनर का फोन किसी दूसरे व्यक्ति के सामने चेक करने के लिए जिद ना करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, और सबसे बुरी स्थिति उन लोगों की होगी जो बहुत ही पास में हैं, मतलब एक साथ हैं। आज के दिन मुलाकात अगर आज के ही दिन करने वाले हैं तो ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपकी मुलाकात हो चुकी है तो आप सुबह ही वहाँ से निकल लें, अलग हो जाएं, तो आपके लिए अच्छा है, ये स्थिति है।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपका मन बहुत परेशान रहेगा, अकेलापन परेशान करेगा। लव लाइफ में आज शादी की भावनाएं मन में आएंगी, बहुत ज़्यादा मैरिज को लेकर के बहुत ज़्यादा आपके मन में भावनाएं उत्पन्न होंगी, जिस वजह से आप अपने पार्टनर से बार बार जिद करने लगेंगे शादी के कमिटमेंट को लेकर के, और वो कमिटमेंट देगा नहीं, आपको समझाता रहेगा, आप समझ नहीं पाएंगे और यहीं से लड़ाई की शुरुआत हो जाएगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप ध्यान रखिएगा कि आपकी हर एक बात आपका पार्टनर सुन रहा है, आप किसी और से भी बोल रहे हैं वो बात उसे पता लग रही है। कैसे पता लग रही है वो तो आपकी परिस्थितियाँ बताएंगी, लेकिन हकीकत यह है कि आप जैसे सगा समझ रहे हैं वो आपकी बातों को फैला रहा है। थर्ड पार्टी से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज़्यादा बहस हो सकती है, और आप अपने पार्टनर से हमेशा चाहते हैं कि उन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करें और वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दें, तो आज ऐसा नहीं हो पाएगा। हो सकता है आज आपको फर्स्ट क्या सेकंड भी प्रायोरिटी ना मिल पाए, आपसे बात भी ना कर पाए, वो इतनी ज़्यादा व्यस्त दिखें या वो दिखाएं अपने आप को। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर भी जा सकते हैं, लेकिन आज के दिन आपको किसी के साथ में अचानक से डेट पर नहीं जाना चाहिए, या किसी के साथ में गुस्सा होकर के, अपने पार्टनर से भी गुस्सा होकर के मुलाकात ना करें। अगर गुस्से में पहुंच जाते हैं वहां पर तो बहुत ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लव लाइफ में आपके पार्टनर काफ़ी चीज़ों को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए आज जो भी है आपको समझना है और बहुत ही अच्छी तरीके से संभालना है चीज़ों को, क्योंकि थर्ड पार्टी भी बार बार आपके एक्स पार्टनर का बार बार जिक्र हो सकता है। मैरिड लाइफ में आपका एक्स पार्टनर का कोई कॉल आ सकता है, इस वजह से भी आज दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं और आपके पार्टनर को एक बहाना मिल जाए आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको बुरा बोलने के लिए। आप बुरे नहीं होंगे, दिक्कत उस व्यक्ति की होगी, लेकिन आपका नंबर वही है या आप से अभी भी कॉन्टैक्ट में वो आना चाहता है, उसकी भावना ऐसी है, तो ये दिक्कत है और इससे आज आपका दिन बुरा हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपके पार्टनर से आपको बहुत प्रेम मिलेगा, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो मत भूलिए कि आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं, जिस व्यक्ति से दोस्ती कर रखी है आपने, वो भी आपको प्यार करता है, आप भी जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपके साथ में आगे बढ़ना चाहता है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, इसलिए उस कन्फ्यूजन को क्लियरिटी में बदलिए, और आप भी अगर कन्फ्यूज हैं तो क्लियर हो जाइए। आज के दिन अपना ईगो, अपना घमंड, अपना गुरु थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। लव लाइफ में आपके पार्टनर आपको प्यार करेंगे, सम्मान देंगे और वो भी सम्मान की अपेक्षा करेंगे। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर से आज आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल सकती हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बच्चों की जिम्मेदारियाँ समझेंगे और बच्चों को लेकर के अच्छी शिक्षा आपको देना चाहेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आप आज बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर पाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज आपका दिन बहुत अच्छा है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज आपको कोई इमोशनल व्यक्ति मिल सकता है, जो आपको पहली मुलाकात में ही अपने दिल के हर हाल हर हिस्से से वाकिफ करा दे, और सबसे ज़्यादा आप उसके लिए इमोशनल हो जाएं। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है आज के दिन, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ में क्लेश होने वाला है। मैरिड लाइफ में अगर कहीं यात्रा की जिद करते हैं या कोई गिफ्ट की जिद करते हैं तो बहुत बड़ा क्लेश हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे होंगे, क्योंकि आज आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, वैसे रोज़ मुलाकात हो जाती थी, यह स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो किसी से दोस्ती कर सकते हैं, प्रपोज ना करें किसी दिन, अगर आज के दिन अगर आप किसी को प्रपोज कर देते हैं तो उससे आपका अपमान हो सकता है। लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आज मजाक करेंगे, बहुत सारी आपको ऐसी बातें करेंगे जिससे आप हंसते खेलते रहें पूरे दिन, अच्छा बीते आपका, आज वो आपकी केयर बहुत करेंगे। लव लाइफ में बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, शादी का कमिटमेंट भी आज आपको मिल सकता है, कोई आपको कोई प्रॉमिस या कोई आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी आपके पार्टनर आपको कर सकते हैं। मैरिड लाइफ में आज के दिन आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा नाराज कर सकते हैं, कई आपसे बड़ी गलतियां हो सकती हैं, उन गलतियों को करने के बाद में सबसे बड़ी गलती आपकी ये हो जाएगी कि आपको
उस गलती का एहसास भी नहीं हो पाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज का दिन आपके लिए बहुत बुरा है। यहाँ पर आपको पल पल पर बेइज्जती और आपके सम्मान की बलि आपको देनी पड़ सकती है, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं। आज के दिन लव लाइफ में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आज के दिन आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पार्टनर से फिर से मुलाकात करने का मौका मिल सकता है। आपका एक्स पार्टनर आज वापस आ सकता है। मैरिड लाइफ में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मैरिड लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा और आज के दिन मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपसे कुछ जिद भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर आपको साफ कह देंगे कि अब ये काम अगर कर सकते हो तभी हम आगे रहेंगे, अगर ये बात ये शर्त मंजूर है तो ही रिश्ता आगे रहेगा, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बुरा है। मन उदास रहेगा, अकेलापन परेशान करेगा। लव लाइफ में वाणी पर नियंत्रण रखें, शब्दों को बहुत संभाल के बोलें और आपके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर से बात करना आज बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन पार्टनर बात नहीं करेगा। मैरिड लाइफ में आज के दिन आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्रेम प्राप्त करेंगे और सबसे ज़्यादा स्थितियाँ ये होंगी कि जो व्यक्ति आपकी गलतियाँ ही देखता था आज वो आपकी अच्छाइयाँ देखेगा, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज का दिन आपके लिए और अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए पार्टनर बहुत खर्चे करने वाले हैं, बहुत सारे गिफ्ट देने वाले हैं, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं, लेकिन आज के दिन आप लव लाइफ में अपने पार्टनर से मुलाकात न कर लें। अगर मुलाकात करेंगे तो आज बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे। जो प्लान बनाया जितने खर्चे का उससे दोगुना ही खर्चा करवा देंगे आपके पार्टनर। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आज के दिन आप अपने पार्टनर से मुलाकात न करें या बात करने की कोशिश न करें। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर का अफेयर कोई पुराना था, पहले कोई अफेयर था, वो आज आपको पता चल सकता है, इस वजह से झगड़े हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे नाराज होंगे और ओवर थिंकिंग करके वो आपसे बड़ा चिड़चिड़ाएंगे, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है और हो सकता है कि आज के दिन आपको कोई प्रपोज कर दे। लव लाइफ में अचानक से आज आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी दें या अपनी फैमिली से मिलवा दें। आपको आज बहुत बड़ी खुशखबरी ये मिल सकती है कि आज आपका बहुत दिनों से जिस व्यक्ति से आपको बहुत प्रेम था, शादी की प्लानिंग हो गई थी, सब कुछ फिक्स हो गया था और अचानक से उनकी फैमिली ने मना कर दिया था, कुछ ऐसा हो गया था, तो शादी फिक्स हो जाए, फिर से शादी होने के लिए तैयारियां होने लगें, फिर से आपकी स्थितियां अच्छी होने लगें। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थितियां अच्छी होने की योग हैं। मैरिड लाइफ में आज आपके पार्टनर की आपको बहुत याद आएगी। पार्टनर दूर हो सकते हैं आज के दिन, इस वजह से आज आपको बहुत ज़्यादा याद आएगी उनकी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज का दिन बहुत बुरा है, यहाँ पर आपको धोखा मिल सकता है, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही सामान्य है। लव लाइफ में आज ब्रेकअप हो सकता है, आपके पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं, आपको ब्लॉक कर सकते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको इग्नोर करना चाहेंगे, इग्नोर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैरिड लाइफ में आज के दिन आप अपने पार्टनर के साथ में कहीं भी बाहर जाने की या कुछ करने की या कुछ करवाने की जिद न करें, बहुत झगड़े हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उनकी फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इसलिए आप जो बातें कर रहे हैं वो इस समय आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये समझ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आज आपको बहुत ज़्यादा झगड़ा देखना पड़ेगा और आपको ब्लॉक भी कर दिया जाए, ये स्थिति है। दोस्तों यह था आज का लव राशिफल। अगर आपको आज का लव राशिफल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।